आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ के ईबीएस के चैप्टर नंबर 1 को, जो कि है गोइंग टू स्कूल। और इस वीडियो में हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं जिसका नाम है लेट अस डू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं एक एक्टिविटी, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ऑब्जर्व पिक्चर 1 एंड 2। जो आपकी बुक, जो आपका बुक है ईबीएस का, उसमें 2 पिक्चर दिए गए हैं, तो उनको आपको ऑब्जर्व करना है। इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। और उन दोनों पिक्चर में जो बच्चे हैं वो वेल में से बकेट को पुल कर रहे हैं, यानी कि खींच रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स? क्या आप दोनों पिक्चर में कोई डिफरेंस बता सकते हैं? तो हाँ, उसमें डिफरेंस क्या है? जो पहला पिक्चर है उसमें जो बच्चा है वो बिना पुली के जो बकेट है उसको पुल कर रहा है, लेकिन दूसरे पिक्चर में जो बच्चा है वो पुली की हेल्प से बकेट को पुल कर रहा है। फिर लिखा है विच वुड बी ईजियर, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। तो कौन सा आसान तरीका है, जो बच्चा है वो पुली का यूज करके पुल कर रहा है बकेट को, वो इजी है, या फिर बिना पुली के जो कर रहा है बकेट को पुल, वो इजी है? तो हम पिक्चर 1 में देख रहे हैं कि बच्चे को बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है बकेट को पुल करने में, लेकिन दूसरे पिक्चर में पुली लगाए इसलिए जो बच्चा है वो आराम से बकेट को पुल कर रहा है, यानी कि जो बकेट है तो पुली की हेल्प से बकेट को पुल करना ज्यादा इजी होगा। फिर लिखा है लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुलीज लिस्ट। आप अपने आसपास देखिए और ये बताइए कि किस किस चीजों में पुली का यूज होता है। तो पहले तो हमने देख लिया कि वेयर में होता है बकेट को पुल करने के लिए, और जो कंस्ट्रक्शन साइट होता है तो वहां पे भी यूज होता है पुली का। ठीक है, जहाँ घर बन रहा होता है वहां पे भी यूज होता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया। और लिखा है विद द हेल्प ऑफ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द पिक्चर। हम पुली की हेल्प से बहुत सारी चीजों को पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, हम लोग के बुक में जो पिक्चर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।